तो जिन्होंने ये गिफ्ट मुझे दिए हैं तो उन्होंने कहा से ये चीज़ ली है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप सब बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने इतनी मोहब्बत दी, और आप सब बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। मंजी की आप डावनी डालने लगा हूँ मैं। दुआ आपने हांडी में पानी डाला है? नहीं, पानी डाल कर रखो ना, कुकिंग नहीं करनी? हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बस अभी ये काम वगैरह जो है ना निपटा रही हूँ मैं, इसके बाद जो है ना ये काम करती हूँ। अजान जो है ना रात को पढ़ता लिखता है ना, तो फिर अपना सामान सामून जो है ना सारा फैला के रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, और अपने इफ्तमान में रखे। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिया औलाद दे। जो परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शफा अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमामीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपना व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज का व्लॉग तो शाम ने स्टार्ट कर ही दिया है, तो मैं सुन ही रही थी, तो माशाल्लाह से जो है ना आज शाम की तरफ से जो है ना सलाम दुआ स्टार्ट हुई है। तो माशाल्लाह से आप सब ने इतना ज़्यादा जो है ना शाम को सपोर्ट किया, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी सारी आप सब ने मोहब्बत दी और इतने अच्छे अच्छे आप सबने कमेंट किए, माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। तो घर देख सकते हैं पूरा भी इस टाइम फैला हुआ है, तो घर की सफाइयाँ वगैरह जो है ना वो करनी है। आखिर थोड़ा सा काम जो होता है ना, थोड़ा सा काम जो होता है ना, अगर जो है ना अगर मैं काम को फैलाऊँ ना करना शुरू हो तो पूरा घर जो है ना वो फैल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना ये लेडीज़ जो मुझे देख रही है, मेरी प्यारी बहनें जो देख रही हैं ना, तो उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा पता होगा। अगर थोड़ा सा भी काम करने लगो ना घर का, तो पूरा घर फैल जाता है। तो बस यही है कि अभी जो है ना घर को मैंने समेटना है, और जब घर समेट लूँगी तो फिर दिखाऊंगी घर कितना चमकेगा इंशाल्लाह। साथ में हमारी बिल्ली भी आ जाती है, जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो हमारी बिल्ली जो है ना हमारे साथ होती है। तो ये जो है ना बिल्ली जो है ना हमारे, तो इसलिए जो है ना मैं बिल्ली को दिखा देती हूँ जब भी मैं देखती हूँ, तो ये तैयब आप ही के लिए होता है। तो अल्लाह पाक तैयब आप ही को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी, तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और एक मेरी प्यारी सिस्टर अस्मा सिस्टर, तो उन्हें भी बिल्ली बहुत प्यारी लगती है। वो क्या मैं जाने की तैयारी में यहाँ से, तो कहती हैं कि जो है ना हमारे घर पर भी बिल्ली है, तो है ना मुझे दिल चाहता है कि मैं अपनी बिल्लियों को साथ लेके जाया करूँ। दुआ आप अपनी बिल्ली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। तो ये जो है ना जो मेरी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं, भाई देख रहे हैं जो मुझे, तो बिल्लियाँ इसलिए मैं दिखा देती हूँ, तो इस वजह से जो है ना मैं कहती हूँ चले मैं देख रही हूँ तो आप सबको भी क्यों ना दिखा दूँ। तो माशाल्लाह से धूपें बहुत अच्छी निकल रही हैं, इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं पड़ी हमारे यहाँ पर, जैसे कि होती है ना अभी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई, लेकिन है सही लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है। जब सर्दी पड़ेगी पता चलेगा आपको अचानक से होगी, पता भी नहीं चलेगा एकदम से सर्दी नहीं जैसे गर्मियाँ आई है ना, तो सर्दियाँ भी ऐसी आएंगी। और सारे बर्तन वगैरह स्टैंड वाले जो है ना पड़े हुए, नाश्ता करवा के जो है ना अजान को स्कूल जो है ना छोड़कर, और आज अजान के चाचू जो है ना वो छोड़कर एहतशाम को जो है ना अभी रेस्ट मिल गया है, तो इसलिए जो है ना आज है ना जा भी नहीं रही है काम से, क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा किचन का थोड़ा काम है। तो इंशाल्लाह ये कर फुर के तो जो है ना कल से अपना काम वगैरह जो है ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें अपने काम के मकसद में जो है ना कामयाब करें, आमीन सुमामीन। तो मैं सब काम करती हूँ मैं, बर्तन जो है मैंने धो लिए हैं, और अब जो है मैंने सफाई करनी है। पहले जो है ना इस डेक्ची में जो है ना हांडी में पानी भर के रख लेती हूँ, और थोड़ा सा इसमें तेल भी डालती हूँ। ये के बटके गिने ना, ये एकदम से जो है ना इसमें दरार आ जाती है ना, वो नहीं आएगी इसमें। और अब इसमें जो है मैं पानी डाल के रख देती हूँ। इसको जो है ना पानी पूरा भर के रख देती हूँ।
बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे धोने वाले, बहुत सारे सारे मैंने सही वाले बर्तनों को धो दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारे घर का काम जो है कर लिए, बस अब ये जो है झाड़ू लगा लूँ और जो है यहाँ का जो है ना भी पोछा वगैरह जो है ना लगेगा, बस काम जो है ना ख़त्म हो गया, घर को पूरा समेट लिया है। तो देख सकते हैं दोनों कमरों का काम जो है ना बिल्कुल सिमट गया है। काम वगैरह जो है मैंने सारा कर लिया है और अब जो है मैं अजान की यूनिफॉर्म जो है वो धो रही हूँ, क्योंकि एक जो है पहनकर गया और एक जो है ना उतार दिया है। कल जो है ना ऐसा हुआ कि ना ये वाला यूनिफॉर्म भी नहीं धुला हुआ था, और जो कल पहन के गया था वो वाला भी यूनिफॉर्म नहीं धुला हुआ था। फिर रात में जो है ना काम वगैरह जब करके मैं फ्री हुई तो फिर मैंने रात में धो दिया और जो है ना मैंने उसको ना सूखने के लिए डाल दिया। लेकिन क्या हुआ माजरा, ये हुआ कि पूरी रात जो है ना वो सूखा नहीं। सुबह जब उठी मैं इस्त्री करी, इस्त्री से जो है ना उसको मैंने सुखाया, उसके धुएँ निकल रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से जो है ना उसको मैंने सुखाया। और अब मैंने कहा कि अभी धूप है तो ऐसा करती हूँ कि जो है ना ये यूनिफॉर्म धो लेती हूँ, जब वो अजान आएगा ना तो फिर वो कल वाला जो पहन कर गया वो कल सुबह मैं ऐसे धो दूँगी। बस कल काम की वजह से जो है ना मैं अजान का यूनिफॉर्म ही नहीं धोया मैंने। और अभी चारपाई भी धोनी है, चारपाई भी धोती हूँ मैं, एक चारपाई धो लेती हूँ और ये यूनिफॉर्म धो। अब जो है मैंने कहा चारपाई धो लेती हूँ, ये बहुत गंदी हो गई है, पहले इसको जो है गीला कर लेते हैं, फिर जो है साफ डालते हैं। इसको बंद कर दें। तो काफ़ी देर से आप सब इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि थंबनेल और टाइटल तो देख लिया और दुआ ने अभी तक जो है ना कुछ बताया नहीं। तो बस ये है कि अब आपके साथ जो है ना मैं शेयर करती हूँ ये गिफ्ट, जो कि गिफ्ट किचन के लिए आए, और ये कहाँ से है मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो पहले जो है मैं आपको दिखा देती हूँ गिफ्ट, और ये देखिए तो जिन्होंने ये गिफ्ट मुझे दिए हैं तो उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जो है ना दुआ किचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपने ये चीज़ें लेनी है। और वैसे जो हमें कुछ कम लग रहा था सामान तो वो भी हमने अपनी तरफ से भी ले लिया, लेकिन ये जो है ना हमारे गिफ्ट भेजा है तो मेरी प्यारी सिस्टर हैं कराची से, तो उन्होंने नाम लेने से मना किया। अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रिज़्क में बरकत दे, आमीन सुमामीन, आप सब प्लीज़ उनके लिए आमीन कर दें और अल्लाह पाक जो है ना उनको बहुत दे उनकी रोज़ी रिज़्क में बरकत दें। तो माशाल्लाह से सबसे पहले तो ये है, इसमें जो है ना प्याज वगैरह जो है ना वो कटेंगे, प्याज टमाटर वगैरह जो भी है। और ये देखिए ये कापा छुरी है, बहुत बड़ी वाली छुरी नहीं होती ये, वो है इससे कटेगा ये। और साथ में जो है ये चम्मच है, और ये आलू का है, ये आलू वाला भी है, ये लिया हमने आलू मेस्ट करने के लिए। ये सामान लिए ना तो सारा इस्तेमाल होगा, वो उस चैनल पर आप जाएंगे ना तो वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या होना है, वो तो उधर ही आपको पता चलेगा। और ये जो है ना हमने लिया है, ये उन्होंने बताया था, ये मशवरा जो है ना उनकी तरफ से, तो ये हमने उनके मशवरे से ये चीज़ ली है। तो मैं तहदिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह पाक आपकी रोज़ रिज़्क में बरकत दे, मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे किचन के लिए बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं आप सब, मुझे कल अच्छे अच्छे कॉमेंट आए, आप सबके कॉमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये देखिए ये आइडिया जो था ना ये उन सिस्टर का है जिन्होंने जो है ना ये हमें गिफ्ट किया है। तो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत ये देखिए जी कढ़ाई है, इसमें जब कुकिंग होगी तो माशाल्लाह क्या ही बात है, ये देखिए बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और जो ये दो पराते लिए हैं और ये भी काम ही आनी है पराते, तो ये तो उधर ही पता चलेगा कि हमने करना क्या क्या है। और साथ में जो है ना ये चीज़ें भी लिया है, ये गुलदस्ते हैं कि जो हमने
लगाने हैं, तो वो तो उधर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या करना है इधर। ये देखो जी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तो ये जो है ना गिफ्ट आए हमें कराची से, और कराची से सिस्टर ने भिजवाए, कुछ पैसे भिजवाए थे तो उनकी तरफ से जो है ना ये सामान सारा कुछ लिया, तो बहुत शुक्रिया। और एक मेरे प्यारे भाई और बहन ने जो है ना इंडिया से रात को कॉल की थी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रिज़क में बरकत दे। बहुत खुश हो गए जो है ना उन्होंने बात की, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और एहतशाम से भी बात हुई, एहतशाम को भी बहुत अच्छा लगा। तो उन भाई का नाम जो है इंडिया से जिन्होंने बात की थी, तो और सिस्टर ने, तो उनका नाम है सैयद कामरान इकबाल। तो उनका तरफ मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने इतनी मोहब्बत से कल बात की, और अल्लाह पाक उनकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको नेक साली औलाद से नवाजे, आमीन सुम आमीन। आप सब उनके लिए आमीन करें और रोज़ी रिजक में अल्लाह पाक बरकत दे। बस यही थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी आप सबको, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।